कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी ओवैसी सहित जितने भी बीजेपी के विरोधी पार्टियां हैं अतीक अहमद की हत्या पर उत्तर प्रदेश के शासन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ के द्वारा नए कैबिनेट का गठन कर दिया गया, 17 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं सुनील पांडे सर। देखिए, अतीक का मारा जाना और जिस तरीके से मारा जाना, सवाल उस पर उठ सकता है। अतीक स्वभाव से अपराधी था, उसके कई ट्रैक रिकॉर्ड थे, लेकिन सवाल है कि अतीक जैसे लोग कैसे पैदा होते हैं और अतीक को जिस तरह से मारा गया, अतीक और उसका भाई अशरफ मारा गया, दो अपराधी मारे गए, लेकिन इन दोनों अपराधियों की हत्या में कितने लोग शामिल हुए? 3 आदमी। तो 2 अपराधी मरता है तो 3 अपराधी का जन्म होता है। ये किसी भी बेहतर समाज का संकेत नहीं है। तो मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं जिस तरीके से अतीक और उसके भाई की हत्या हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज और सभ्य व्यवस्था में ऐसी कोई जगह नहीं है। अब रही बात कि जिस तरीके से इसकी भर्त्सना करनी चाहिए या ट्वीट करना चाहिए या अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है। और जो जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, वो निराशाजनक है। यहाँ भी वो पॉलिटिकल फायदे देखते हैं। सवाल ये उठता है कि अतीक कैसे बना? अब इसकी आप जड़ में जाएंगे तो सारा कारण पॉलिटिकल है। और जिस तरह से हत्या हुई, हत्या के पीछे क्या कारण है, बड़ा कारण क्या है और किसके हाथ है? सवाल है कि जो 3 गरीब बच्चे पकड़े गए, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके पुराना हिस्ट्री भी है, वो किसी के हाथ के खिलौने बने हुए हैं? आखिर इतना कीमती रिवॉल्वर या अग्नेयास्त्र उनके पास कहां से है? आखिर किन लोगों को डर था कि यदि अतीक जिंदा रहा तो उनके भी नंबर आ सकते हैं? ये तमाम चीजें और उम्मीद कर सकते हैं आप। यदि ये दाग लगा है योगी के सरकार पर, तो योगी की ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इसके अंदर की कहानी क्या है, किन लोगों ने इंटरेस्ट लिया इसमें इतनी बड़ी हत्या के पीछे। दूसरी बात कि पुलिस संरक्षण में हत्या सबसे आसान तरीका होता है। कई घटनाएं देश में हुई है। आप पटना से हैं, ब्रिज बिहारी पूर्व मंत्री की हत्या जिस तरह से IGIMS कैंपस में हुआ था, 2 साल पहले कुख्यात अपराधी संतोष झा की जो हत्या हुई कोर्ट परिसर में हुई, कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। क्योंकि अपराधी समझता है कि मैं यहां सेफ हूं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के ही आड़ में लेकर उसके दूसरे गैंग के लोग उस पर अटैक करते हैं और अक्सर ऐसी हत्याएं होती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कई पुलिस शस्त्र बल उनके चारों बल खड़े थे, लेकिन किसी ने बचाने की नहीं बचा पाए। कोशिश तो जरूर किया होगा उन लोगों ने, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा मौका नहीं मिला। और जिस तरीके से हत्या हुई, बिल्कुल वो ट्रेंड थे। और जैसा कि पुलिस रिपोर्ट लिख रही है कि कई दिनों से वो इस मुआयने और इस ताक में लगे हुए थे कि कब इनको मौका मिलता है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो पत्रकार की भूमिका में, पत्रकार की भेष में, या जो जरूरत होता है, कैमरा होता है, माइक होता है, वो लेके उस जगह पर थे। और उस समय अतीक और उसका भाई पत्रकारों से ही बात कर रहा था और उसी समय ये फायरिंग होती है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरा मानना है कि हत्या हुई है तो हत्या के तह में जाने की जरूरत है। बेशक अतीक में वो दम नहीं रह गया था, ताकत नहीं रह गया था, क्योंकि जवान बेटे का मारा जाना और उसमें वो शामिल नहीं हो पाया। तो आप एक बाप के दर्द और दुख को समझ सकते हैं। वो टूट चुका होगा, वो जीवन को ढो रहा था, जी नहीं रहा था। तो इन तमाम चीजों को होने के बावजूद यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तरीका गलत है, इस पर कोई बहस नहीं है कि वो अपराधी था, उसको यहाँ समाज से जाना जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से हो गया वो गलत। बिहार में जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी पटना पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, कहा कि यह उत्तर प्रदेश में कानून का जनाजा निकल गया। सर, इस पर आपकी क्या राय होगी? इसमें 2 राय नहीं है, तेजस्वी का कहना सही है। अब इसमें आप यदि पोस्टमार्टम करेंगे कि इस हद तक मामला आया कैसे, आपको आश्चर्य होगा, 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा है। सांसद कहां से रहा है? फूलपुर से, जहां से 2 बार देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल उस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। तो जाहिर है कि
वो चांद मियां की हत्या करना, राजू पाल की हत्या करना, अभी उमेश पाल की हत्या करना, तो लंबा सीरीज है उसके पीछे और करोड़ों की संपत्ति उसने अर्जित की। हाँ, चुनाव में हारना उसकी शुरुआत हो चुकी थी, दोनों भाई की लगातार हार हो रही थी, तो अपना ट्रैक बदला था और जेल में रहते ही बड़ा वसूली करता था और कई अपराध को अंजाम दे रहा था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार वही कह रहा हूँ, लेकिन अभी मौका है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को इस पीछे के पूरे किस्से को, खेल को सामने लाए, और इसीलिए न्यायिक आयोग का गठन भी हुआ है। तो आप सुनते राजनीतिक विशेषक सुनील पांडे सर को, इन्होंने योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से साफ अपील कर दिया कि इसके तह तक जाने की जरूरत है, अपराधी अतिक्रमण था, इसमें कहीं दो राय नहीं था, सजा सत्ता भी हो चुका था, कई केस उस पर चल भी रहे थे, लेकिन इस तरह से उसका हत्या होना यह लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा भी माना जाएगा इसको, जैसा सर ने कहा है। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।